बाढ़ के कहर से तबाह हुआ पाकिस्तान, बाढ़ में डूबा एक तिहाई पाकिस्तान, करोड़ों लोग प्रभावित। पाकिस्तान में बाढ़ से 3000 किलोमीटर सड़कें बह गईं, 20 लाख एकड़ फसल बर्बाद और आपातकाल। पाकिस्तान इस समय सबसे घातक बाढ़ का सामना कर रहा है। यहाँ पिछले 10 दिनों की बारिश ने 30 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तिहाई पाकिस्तान बाढ़ की वजह से डूब गया है। बाढ़ से प्रभावित लाखों लोगों की मदद के लिए मंगलवार को पूरे पाकिस्तान में सहायता प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 1100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से ज्यादातर इलाकों में घर टूट चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ को पाकिस्तान के इतिहास में सबसे खराब बताया है। साथ ही कहा है कि देश भर में फैले क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए कम से कम 10 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। शहबाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान के योजना, विकास और विशेष परियोजनाओं के मंत्री एहसान इकबाल ने भी चेतावनी जारी की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश में जो हालात हैं उसने लोगों के सामने रोजी रोजगार का संकट पैदा कर दिया है। इससे उबरने में कम से कम 5 साल का समय लग सकता है। एहसान इकबाल ने इसे 2010 की बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने इसे दशक का सबसे भयावह मानसून कहा। वहीं वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बाढ़ के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ है। जून में शुरू हुई बारिश की वजह से पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ आ गई है, जिसने फसलों को बहा दिया है और 10 लाख से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया है। अधिकारियों और धर्मार्थ संस्थाएं लगातार लोगों की मदद करने में लगी हुई हैं। अब तक 33 मिलियन से अधिक लोगों की सहायता की गई है। बाढ़ और पानी की वजह से सहायता कार्य में तेजी लाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। काफी लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि कई सड़कें और पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पाकिस्तान में हर साल मानसून के मौसम के दौरान भारी और अक्सर विनाशकारी बारिश होती है, जो कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन 3 दशकों से इतनी तेज बारिश नहीं देखी गई। इसके लिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। अल्लाहु अकबर, फजल गोफर ऐसी शीरा कर गया, कैसी से दुई शीर गया। अस्तग्फिरुल्लाह, अस्तग्फिरुल्लाह।